हाय, मैं हूँ सोनिया नारंग। मैं ओरिफ्लेम इंडिया की न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ। हम सभी जानते हैं कि बढ़ती उम्र के मायने क्या हैं। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है बड़े होना और कुछ के लिए बूढ़ा होना। लेकिन बुढ़ापा सिर्फ वही नहीं है जो बाहरी तौर पर झुर्रियाँ या ढलती त्वचा से दिखता है। बढ़ती उम्र का प्रभाव हमारे शरीर पर आंतरिक तौर पर भी पड़ता है। इसकी वजह से हमारे शरीर की एनर्जी और इम्यूनिटी भी कम होने लगती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि उम्र का सबसे ज़्यादा महत्व क्यों है? आइए समझते हैं कि कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे शरीर और उम्र को प्रभावित करते हैं और हम अपने शरीर को स्वस्थ और युवा बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि सेब को काट कर छोड़ देने पर उसका रंग भूरा होने लगता है, पर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने का परिणाम। लेकिन आपने ये सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? जब हम सांस के जरिए ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में भी ऑक्सीडेशन होने लगता है। ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन सूरज की किरणें, प्रदूषण और अस्वस्थ खानपान की आदतें ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होने वाले नुकसान को बढ़ावा देते हैं और शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। फ्री रेडिकल्स बहुत ही प्रतिक्रियाशील और अस्थिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि फ्री रेडिकल्स अपनी उम्र से बड़े दिखने का एक मूल कारण है। ऑक्सीडेशन के प्रभाव की वजह से कई बीमारियाँ हो सकती हैं और इससे आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। यही कारण है कि आपका शरीर अन्य वजहों से होने वाली बीमारियों का शिकार आसानी से हो जाता है। हालांकि एक खास उपाय है जो आपको इन समस्याओं से मुकाबला करने में मदद कर सकता है, और वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ए, सी और ई, इन जैसे तत्वों में है जो फ्री रेडिकल से होने वाली शारीरिक नुकसान के खिलाफ हमारी रक्षा करते हैं और हमारे सेल्स को स्वस्थ बनाते हैं। हालांकि हमारे शरीर में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं और हम कुछ को ताज़ा फलों और सब्जियों के ज़रिए भी हासिल करते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हमारे शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए और डैमेज सेल्स की रिपेयर यानी मरम्मत करने के लिए फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का सही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत सारे लाभ हैं। इम्यून सिस्टम में सुधार लाना, एंड्योरेंस बढ़ाना, त्वचा पर झुर्रियों और दाग धब्बों को कम करना, हृदय स्वास्थ्य में सुधार लाना, इन्फ्लेमेशन को कम करना। क्या आप अपने शरीर को फ्री रेडिकल से बचाने के लिए ज़रूरी कदम उठा रहे हैं? जो एंटीऑक्सीडेंट्स आप ले रहे हैं, क्या वो फ्री रेडिकल से आपको बचाने के लिए काफ़ी हैं? बतौर न्यूट्रिशनिस्ट मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हम अपनी डाइट में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले पाते। इसलिए ये सवाल मायने नहीं रखता कि क्या हमें एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट लेने चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए कि हमें कौन सा एंटीऑक्सीडेंट लेना है। क्योंकि सभी एंटीऑक्सीडेंट्स समान नहीं होते, कुछ अधिक शक्तिशाली हैं तो कुछ दूसरों की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के कई सोर्सेस हैं, जिनमें विटामिन ई, विटामिन सी और ग्रीन टी कैचिंस मुख्य रूप से शामिल हैं। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत ही खास एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, जिसका नाम है एस्टाक्सैंथिन। एस्टाक्सैंथिन हमारे शरीर के लिए सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट में से एक है। इसे अक्सर सेलिब्रिटीज़ का यूथ सीक्रेट भी कहा जाता है। इसे विटामिन ई की तुलना में 100 गुना, ग्रीन टी कैचिंस की तुलना में 550 गुना और विटामिन सी की तुलना में 5000 गुना ताकतवर माना जाता है। एस्टाक्सैंथिन पाया जाता है स्वीडन के आर्किपिलागो समुद्र के विशेष एल्गे में। एल्गे प्राकृतिक रूप से तो हरे होते हैं, लेकिन जब ये सूरज की यूवी किरणों जैसी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो एस्टाक्सैंथिन एक विशेष रक्षा प्रणाली तैयार करता है और हरे एल्गे एस्टाक्सैंथिन की वजह से गहरे लाल हो जाते हैं। एस्टाक्सैंथिन की यही विशेषता एल्गे को विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि एस्टाक्सैंथिन का एल्गे की तरह मानव शरीर पर भी समान असर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति एस्टाक्सैंथिन लेता है तो यह उसके सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचता है और आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से उसको एक सुरक्षा प्रदान करता है।
अपनी खास संरचना की वजह से ये उन फ्री रेडिकल से मुकाबला करने में सक्षम है जो हमारे शरीर को अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं और समय से पहले बूढ़ा बनाते हैं। एस्टाक्सेंथिन के लाभ के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा लगातार खोज की जा रही है। एक स्टडी से पता चला है कि एस्टाक्सेंथिन लेने वाली महिलाओं की त्वचा फर्म रहती है और झुर्रियां कम पड़ती हैं। एक और स्टडी से पता चला कि एस्टाक्सेंथिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन आदि की समस्या में भी कमी लाता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। एक रिसर्च के अनुसार एस्टाक्सेंथिन अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स की तुलना में इंड्योरेंस को भी बढ़ाता है। इसे हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम ये जान चुके हैं कि एस्टाक्सेंथिन सही मायने में किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। स्वस्थ रहें, युवा दिखें।